तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिंदी मॉडल पेपर के बारे में। दोस्तों आज किस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे पिछले साल यानी कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन सब की जो क्वेश्चन पेपर था मैंने PDF बना लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर था उसमें आप लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती क्योंकि वो जूम करने पर फट जा रहा था, तो मैंने उन क्वेश्चनों को लिख लिया है। उसके बाद आप लोगों को मैं इस PDF फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको जिस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम होगा वो बेशक बताइएगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा भी, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, ये हिंदी, फिर से मैं बताना चाहूँगा, BA फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर है, ठीक है। सेकेंड मॉडल पेपर यानी कि जो फर्स्ट एक होता है प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा होता है द्वितीय प्रश्न पत्र, तो आज है प्रथम प्रश्न पत्र, किसी और दिन होगा द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चन होते हैं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बीए फर्स्ट ईयर में, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। नहीं मालूम है तो मैंने इसके लिए वीडियोज बनाई है, बहुत सारी वीडियोज बनाई है जिसमें मैंने स्पेशल इसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। अगर अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लीजिए, मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी राइट आंसर होगा आपको सेलेक्ट करके और मार्क शीट में फिल करना होगा। एग्ज़ाम में चार ऑप्शन मिलेंगे, इसमें मैंने ABCD कर दिया, वहाँ पर का खा गा घा में होगा उससे कोई नहीं मतलब है। तो पहला क्वेश्चन है, सूरसागर किसकी रचना है। नंबर एक तुलसीदास, बी नंबर कबीरदास, सी नंबर सूरदास, डी नंबर जायसी। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जो राइट आंसर होगा उसको आपको सिलेक्ट करके मार्क करना होगा यानी कि गोला बनाना होना और मार्क शीट में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर, सूरसागर की जो रचनाकार किसकी रचना है वो है सूरदास जी की है, तो इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर में कितने पद हैं। तो नंबर एक है 1100, बी नंबर 5000, सी नंबर है 4936 और डी नंबर है 120। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, वो होता है सी नंबर, ठीक है, 4936 यानी 4936 राइट आंसर होता है सी नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम में पिछले पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है इस बार भी एग्जाम में रिपीट हो जाएं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर भाई फिलहाल आपको आइडिया तो लग ही जाएगा, क्योंकि सूरदास से रिलेटेड आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपके लिए ही बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने सूरसागर में कितने भ्रमर गीत की योजना की है। नंबर एक 5, बी नंबर 13, सी नंबर 15, डी नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है डी नंबर 3, ठीक है, राइट आंसर होता है 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव गोपियों को किसकी शिक्षा देने आए थे, यानी कि जो उद्धव थे गोपियों को किसकी शिक्षा देने आए थे। नंबर एक प्रेम का, नंबर बी ज्ञान का, और नंबर सी है भक्ति का, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर, ज्ञान का। लेकिन जो गोपियाँ थी आप लोगों को पता है वो ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए एग्री नहीं थी, इसलिए उन लोगों के बीच कुछ चला था, तो वो लोग तो श्री कृष्ण के उसमें दीवानी थी, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नागेंद्र सूरदास का जन्म कहाँ मानते हैं। जो डॉक्टर नागेंद्र जी हैं वो सूरदास जी का जन्म कहाँ पर मानते हैं। नंबर एक काशी, यहाँ पर कसी हो गया तो आप समझ लीजिए काशी है, कोई कसी स्थान नहीं है, काशी है इस क्वेश्चन का मतलब, ठीक है, थोड़ा टाइप करने में ए मात्रा नहीं लगी, काशी में। बी नंबर है सीही में, सी नंबर है सोरो में, डी नंबर शाहजहाँ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है क्या होता है, बी नंबर, ठीक है, सीही। जो नागेंद्र जी हैं सूरदास का जन्म सीही में मानते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैंने PDF तैयार की है, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों की। तो ये जो सारी PDF है मैं आपको बता दूँ कहाँ पर मिलेगी, ये आपको एक वेबसाइट पर मिलेगी, मैं वेबसाइट पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ठीक है, ये वेबसाइट है, देख सकते हैं आप, ये आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। तो इस पे आपको क्या होगा, जो सारे मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं इसकी जो PDF फॉर्मेट है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की ज़रूरत होगी कि PDF मिल जाता तो बहुत बेटर होता सर, तो भाई ये जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है।
तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको वहाँ पर जाएंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा बी ए बी एस सी बी कॉम पी डी एफ फाइल डाउनलोड समथिंग करके ऑप्शन है, तो वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक मेरी आईडी है, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेज ऐसे में ज्वाइन हो जाएंगे तो अगर आप कुछ पूछेंगे तो इसका आंसर आपको मैं तुरंत ही रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि इस पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूरदास में कितने स्कंद हैं। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर एक है 50, बी नंबर 18, सी नंबर है 12 और डी नंबर है 15। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर 12 होते हैं। ठीक है, ध्यान देना आपको ये सारे क्वेश्चन सूरदास के जानते हैं, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो सूरदास में से आपको अगर एग्जाम में आप जाएंगे देखने तो 100% आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ये तो 100% श्योर है। बस हो सकता है जो मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन थोड़ा, ये भी हो सकता है कि ना आए, क्योंकि मैं एग्जैक्टली नहीं, मैं आप लोगों को साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, नहीं तो आप लोग बाद में बोलने लगे कि सर जो आपने बताया था उसमें से तो क्वेश्चन आए ही नहीं। तो ऐसा कुछ मैं नहीं करना चाहता। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मैच करेंगे, ये तो 100% है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास का जन्म कहाँ मानते हैं। तो जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो सूरदास जी का जन्म कहाँ मानते हैं। नंबर एक रामघाट, बी नंबर तुलसीदास, और सी नंबर है रुनकता, बी नंबर है बोधगया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर, रुनकता में मानते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद जी सूरदास जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवगति गति कछुर कहत न आवे पंक्ति किसकी है। ठीक है, तो नंबर एक कबीरदास, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर सूरदास, डी नंबर तुलसीदास। तो राइट आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा कि सूरदास की बात हो रही है आज की इस वीडियो में, तो सूरदास जी की है। ठीक है, रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य लहरी किसकी रचना है। नंबर एक सूरदास, बी नंबर कबीरदास, सी नंबर जायसी, डी नंबर मीरा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर सूरदास, आपको मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर सारावली में कितने छंद हैं। तो नंबर एक 1500, बी नंबर 1750 और सी नंबर है 100 और डी नंबर है 1107। तो राइट आंसर इसका जो होता है वो होता है डी नंबर 1107। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुसागर किसकी रचना है। तो नंबर एक तुलसीदास, बी नंबर कबीरदास, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर सूरदास जी की है, आपको मालूम ही है। ठीक है, साहित्य लहरी सूरदास की है, सूरसागर सूरदास जी की है। ठीक है, आपको ये सब ध्यान देना है कृतियों, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास का काव्य रूप क्या है। नंबर एक खंड काव्य, बी नंबर महाकाव्य, सी नंबर प्रबंध काव्य, डी नंबर गीत काव्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है प्रबंध काव्य। सूरदास जी जो थे वो प्रबंध ध्यान देना है, प्रबंध काव्य, ठीक है, रूप थे उनका जो प्रबंध था, ठीक है, काव्य का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के गुरु कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम में आपके शायद आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बल्लभाचार्य, सी नंबर हो जाएगा बल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु हैं। ठीक है, गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टछाप के कवि कौन है। मूलक दास, केशवदास, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सूरदास जी हैं अष्टछाप के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। तो भाई अभी तक तो साहित्य लहरी किसकी कृति है, अगर ये क्वेश्चन होता तो आप करेक्ट कर देते कि हाँ भाई सूरदास जी की है, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य शैली की विषय वस्तु क्या है। तो नंबर एक छंद, बी नंबर रस, सी नंबर नायिकाविद और डी नंबर है शब्दकोश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर नायिकाभेद, विषय वस्तु जो है वो है नायिकाभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है। नंबर एक शांत रस, बी नंबर वियोग श्रृंगार, सी नंबर वात्सल्य, डी नंबर संयोग श्रृंगार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है क्या होता है सी नंबर वात्सल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य लहरी की रचना कब की गई थी। अभी क्वेश्चन आता है कि किस सन में की गई थी साहित्य लहरी की रचना। तो नंबर एक है 1500, बी नंबर है 1700 और डी नंबर है 1300 और डी नंबर है 1550। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है 1550। ठीक है, डी नंबर 1550 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है। सूरदास जी जो थे वो कृष्ण भक्त शाखा के कवि थे। ठीक है, कृष्णा सही भाका शाखा के कवि थे। तो उन्होंने जो श्री कृष्ण जी थे उनका चित्रण रूप
किया है, किसमें किया है? तो नंबर एक है योगेश्वर, बी नंबर लोकरंजक, सी नंबर नागेश्वर, डी नंबर है लोकरक्षक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर लोकरंजक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसारावली की रचना संसार को किसका रूपक मानकर की गई है? सुसारावली की रचना संसार को किसका रूपक मानकर की गई है? नंबर एक होली, बी नंबर दिवाली, सी नंबर दशहरा, डी नंबर में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है क्या? वो होता है ए नंबर होली को। ठीक है, ध्यान देना है होली को। उस सारावली की रचना संसार को होली रूपक मानकर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकुल सबे गोकुल उदासी पंक्त किसकी है? गोकुल सबे गोकुल गोकुल सबे गोपाल उदासी पंक्त किसकी है? आपको मालूम ही होगा, इसका राइट आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि सूरदास जी किससे रिलेटेड हैं, तो सूरदास जी ऑप्शन में हैं, तो सूरदास ही सही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते, तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी मैंने बी ए बी एस सी बी कॉम से रिलेटेड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की वीडियो अपलोड कर दी है, तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको भी किसी मॉडल पेपर की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आप लोगों के लिए वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।